हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मल्टीटास्कर मोनिका। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, व्हाइट सॉस पास्ता। और चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम पैन को हीट करेंगे, फिर उसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले गार्लिक डालूंगी। गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, हल्का सा लाइट पिंक। अब इसमें कैप्सिकम शिमला मिर्च डालूंगी और इसको थोड़ा देर में चलाऊंगी, 1 मिनट तक कम से कम चला के मैं इसे पकाऊंगी। अब ये थोड़ा सा पकने लगा है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा अच्छे से, एक नटी फ्लेवर से आने लगे स्मेल, तो मैं इसमें 1 ग्लास दूध डालूंगी। दूध आप लोग फुल क्रीम यूज़ कीजिएगा, जिससे कि सॉस और ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनेगा। अब ये देखिए इसमें बॉयल आ गया। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ये मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं मलाई डाल लूँगी थोड़ी सी, ताकि जो मेरा सॉस है वो और ज़्यादा क्रीमी लगे। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अभी 1 चम्मच ऑरिगेनो डाला है मैंने, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डालिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये देखिए सॉस हमारा थिक हो गया, तो मैंने अब इसमें पास्ता डाल दिया है। और पास्ता को आप चलाइए कंटिन्यू, जिससे कि वो पास्ता अच्छे से सॉस के साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए। अभी देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।